वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फिर से माँ बाप के साथ हैं। सो गाइस, आज हम खड़े हुए हैं कल्याणी स्टेशन, जो कि इसका नदिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो गाइस, आज हम लोग चलेंगे यहाँ से, हम लोग GIS स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक और देन GIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ से कितना पैसा लेता है फेयर, टोटो भाड़ा, टेम्पो, तो हम आपको बताएंगे। और वैसे ये कल्याणी स्टेशन का टिकट काउंटर जो सामने में है, ये देख रहे हैं, तो सामने में, और चलते हैं अभी, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ टोटल प्लेटफॉर्म 4 है, तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। और आपको GIS स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक और GIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को जाने के लिए आपको टोटो यहाँ से मिल जाएगा। ये एम्बुलेंस है, उसके आगे वहाँ पे लगता है टेम्पो, वही ऑटो स्टैंड पे चलते हैं। चलिए, स्टेशन से GIS स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक यहाँ से 2.6 किलोमीटर है, और पैदल जाएगा तो आपको आधा घंटा लगेगा, और टोटो से जाएगा तो 15 रुपये पर हेड का लगेगा एक आदमी का। तो चलते हैं, हम लोग यहाँ से टोटो में बैठ गए हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में। और बाकी सब लोग हैं यहाँ पे, मेरा दोस्त भी है सूरज यहाँ पे साथ में, ये देखिए है ना। तो दोस्त, वेलकम टू वेस्ट। तो जस्ट डिप्लोमा वाले गली के बगल में सुकुमार दा यहाँ पे है, जो इनके बेटे हैं, ये नहीं है सुकुमार दा, इनके बेटे हैं। हम लोग यहाँ पे कॉलेज टाइम, हम लोग यहाँ पे चाय वाय पीने आते थे और खाने पीने आते थे लंच टाइम में, अच्छा लगता है। आपका यहाँ तक का 15 रुपये लेता है एक आदमी का। और जो कल्याणी साहब आए इसी रास्ते से आए और यहाँ पे रुके हैं, और बाकी इससे आगे जो रास्ता जा रहा है ना, ये BTech कॉलेज है, थोड़ी देर में चलेंगे BTech कॉलेज के पास। अब ऐसे ये GIS स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक, इधर ही सीधा पॉलिटेक्निक रास्ता भी दिया गया। तो चलिए, कॉलेज में देखा तो ये यहाँ से मैं पास आउट किया था 2020 में। पहले मुझे सर्टिफिकेट मिल गया और हम यहाँ से कॉलेज से निकल रहे हैं। चलिए देखिए, ये कॉलेज डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, तो इसे दिखा दिया मैंने और जितना हो सका, फिर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर मैं दोस्त बोल रहा फ़ोटो खींचने के लिए, फिर चलिए मैं फ़ोटो खींचता हूँ। और ये BTech कॉलेज के जस्ट सामने वाला जो रास्ता है ना, इधर जाता है आपका हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल का नाम है विवेकानंद बॉयज हॉस्टल। यहाँ पे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट और BTech के स्टूडेंट दोनों यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी अच्छा है हॉस्टल, जो यहाँ के पास आउट होंगे उन्हें तो पता ही होगा हॉस्टल कैसा है, वो तो कमेंट करके बताएँ आप लोग। और देन चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आपको लोकल मेस सब मिल जाएगा, छोटा छोटा दुकान सब है। और यहाँ से मार्केट जाने के लिए आपको कचरा पाड़ा जाना पड़ेगा, जो एक आदमी का 15 रुपये लगता है।